नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशु त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योगमास शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, आज हम ईशांत कोण पर अगर रसोई घर हो इसका क्या प्रभाव होता है, इस संबंध में आपसे बात करेंगे और अंत में कुछ उपचार आपको अवश्य ही देंगे। सबसे पहले ईशांत कोण के बारे में बात करते हैं, अर्थात पूरब और उत्तर का कोना। पूरब उत्तर कोना भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। तत्वों में जल तत्व, देवताओं में बृहस्पति देव का वास भी इसी स्थान पर माना जाता है। इस स्थान पर रसोई घर अगर हो इसके क्या परिणाम होते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें ईशांत कोण पर रसोई घर होना वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। ईशांत कोण अर्थात जल तत्व, यहाँ पर पूजा रूम, योग, बच्चों के पढ़ने का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर वास्तु पुरुष के सर का स्थान माना जाता है। भोलेनाथ का स्थान होने के नाते यहाँ पर जल से संबंधित चीजें हों तो ज्यादा बेहतर होती है। भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया था, इसलिए उनके सर पर गंगा जी एवं चंद्रमा का वास माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने से कई संकट दूर होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गले में विष होने के नाते उनके ऊपर गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इस स्थान पर जब आप रसोई घर बनाते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने वास्तु की जो ठंडक वाली ऊर्जा है, अर्थात घर में शीतलता देने वाली, दिमाग को शांत करने वाली शीतलता है, वह डिस्टर्ब करता है। इस कारण से आपके घर में रहने वाले जो बच्चे होंगे या बुजुर्ग या युवा जो भी होंगे, उनमें जिद्दी स्वभाव या एक दूसरों की बातों को न मानने का गुण धीरे धीरे डेवलप होगा। ऐसे भी आयुर्वेद की एक कहावत है, सर ठंडा हो और पेट नर्म हो, पैर गर्म हो, यह लक्षण है एक स्वस्थ आदमी। लेकिन अगर आप वास्तु पुरुष के सर को गर्म रखेंगे तो इसका प्रभाव घर के सदस्यों पे और मालिक पे विशेष तौर से देखा जाता है। बात बात पे क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, कहीं न कहीं यह कारण बनता है ईशांत कोण पर रसोई बनने का। रसोई घर आपके पाचन क्रिया के लिए अर्थात पेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि आपके रसोई में अगर चीजें सात्विक और व्यवस्थित हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और दीर्घ आयु रहेंगे। लेकिन जब यही रसोई घर अग्निकोण पर न होकर ईशांत कोण पर हो तो कहीं न कहीं उसकी जो एनर्जी है वह डिस्टर्ब होती है। भोजन के माध्यम से जो एनर्जी आपको प्राप्त होगी वह आपके शरीर के लिए उतनी अनुरूप नहीं होगी। अग्नि तत्व जब आपका जल तत्व के पास आएगा तो कहीं न कहीं आपके शरीर में अग्नि की जो अधिकता होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, वह डिस्टर्ब होगी, जिस कारण से आपको शुगर जैसी बीमारी या कुछ बहुत सी बीमारियां हैं जो आपके शरीर की एनर्जी को बैलेंस करती है, वह कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। शुगर के साथ साथ शरीर में दुर्बलता होना एवं कमजोरी का एहसास होना, ऐसी बीमारियां भी जब इस स्थान पर किचन होगा तो पाया जाएगा। सर्वाइकल, सर में दर्द, बाल का उड़ना, सबसे बड़ी चीज बाल में दिक्कत भी अगर रसोई घर ईशांत कोण में है तो घर में रहने वालों के बाल की दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी। उसका रीजन है, ज्योतिष के अनुसार बाल के लिए जल तत्व कारक होता है। जब घर में ईशांत कोण अर्थात जल तत्व पर आप अग्नि तत्व की अधिकता करेंगे तो इसका प्रभाव आपके सर के बालों पर भी सीधा देखा जा सकता है। ईशांत कोण पर रसोई बनाना उचित नहीं है। अब आपको हम कुछ रेमेडी बताते हैं
जो आपकी ऊर्जा को कुछ मात्रा में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, किचन में पानी का स्थान कोशिश करके पूरब उत्तर कोने पर ही करें। जो आप भोजन बनाएं वह किचन के दक्षिण और पूरब वाले हिस्से पर ही बनाएं। दूसरी चीज, किचन के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं। और जो पानी भर कर रखना है पूरब उत्तर कोने पर, वह कोशिश करके हर दम हरा रहे और रोज उसको बदला जाए। रसोई घर में जूठे बर्तन बिल्कुल न रखें। कुछ छोटे मोटे उपचारों से आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन यह पूर्ण इलाज नहीं है। इस स्थान पर रसोई घर वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल ज्योतिष पंचांग को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अगर आपको कुंडली दिखानी है या आपको अपने वास्तु के बारे में डिस्कशन करना है, तो दिए हुए नंबर पर आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूले। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।